फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है साबूदाना और टमाटर के पापड़ की रेसिपी। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने 1 kg जितने साबूदाना लिए हैं, ये साबूदाना है। और यहाँ हम इसको परफेक्टली वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद हम यहाँ इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 बार के लिए इसको परफेक्टली वॉश कर देना है। बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा जो इसका डस्ट है वो हम निकाल देना है। एकदम क्लीन पानी होना चाहिए हमारे साबूदाना जब हम भिगोए तब। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी नाइट हमें इसको छोड़ दिया था। एकदम ये फूलकर तैयार है। एकदम आप प्रेस करके देखेंगे तो एकदम बढ़िया से हमारे साबूदाना परफेक्टली सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ हमने 1 kg जितने साबूदाना लिए थे, इसका डबल हमने टोमेटो लिए है। 2 kg जितने हमने टमाटर लिए है, वो ऊपर का इस तरह से हम निकाल देंगे और सारे टमाटो में इस तरह से कट लगा देंगे। 3 से 4 इस तरह से हमें लंबे लंबे कट लगा देने हैं, जिसे हमारे टमाटर एकदम बढ़िया से बॉईल हो जाए। तो चलिए सारे टमाटर के कट लगा देते हैं। और आप चाहे तो इसको कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। यहाँ हम कुकर में बॉईल नहीं करेंगे, इसे हम बड़ा पतीला में बॉईल करने वाले हैं। तो इसी माप से हम सारा इसका खीरा बनाने वाले हैं। तो इसी से ही हम सारा नाप लेंगे। तो यहाँ हम इसे 2 गुना पानी ऐड करेंगे। जो हमने साबूदाना का नाप लिया था उससे ही हमें पानी ऐड करना है। जितना साबूदाना है इससे 2 गुना हमें पानी ऐड कर देना है। पानी 5 मिनट के उबालने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम हमारे सारे टमाटर कट हो चुके हैं। तो चलिए 5 मिनट हो चुकी है और जो हमने गर्म पानी किया है इसके अंदर सारे टमाटर पूरी सावधानी से डाल देंगे। इससे आपकी जो पापड़ है एकदम बढ़िया से बनेंगे और एकदम फुले फुले बनेंगे। इस तरह से आप बनाएंगे तो परफेक्टली बनेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे आपके टेस्ट अकॉर्डिंग। और इसे हम फास्ट फ्लेम में ही 10 मिनट के लिए इसको परफेक्टली बॉईल करने देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टमाटर की स्किन ऊपर आ जाए, आसानी से निकल जाए। तब हमें सारे टमाटर को निकाल देना है। तो यहाँ आपको देख सकते हैं कि हमारे आसानी से टमाटर की स्किन निकल रही है। तो इसी स्टेज पर हम सारे टमाटर को एक बड़ा बाउल में ले लेंगे। तो यहाँ आप सारी पूरी सावधानी से इस सारे टमाटर को ले लेना है। यहाँ आपको ये पानी में ही सारे मसाले और साबूदाना को डालना है, इसीलिए आपको ये पानी फेंकना नहीं है, जिससे हमारा एकदम बढ़िया से पापड़ बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। यहाँ आप चाहे तो कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सारे टमाटर निकल दिए हैं और डाल देंगे 4 से 5 टेबल स्पून जितना रेड चिली फ्लेक्स। और यहाँ डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना जीरा। आप चाहे तो ग्रीन चिली भी पेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। 1 मिनट के बाद जो हमने साबूदाना को भिगोया था वो डाल देंगे। बिल्कुल इस तरह से हमें डालना है। और इसे हम जब तक हमारा साबूदाना ट्रांसफर ना हो जाए तब तक इसे हमें परफेक्टली पकाना है। तो यहाँ आप स्लो और फास्ट करते जाना और इसको मिक्स करते जाना। थोड़ी देर के लिए इसको फास्ट फ्लेम में हम पकाएंगे और थोड़ी देर के बाद हमें स्लो फ्लेम में पकाना है। और बीच बीच में इस तरह से मिलाते जाएंगे, जिससे नीचे हमारा जो बैटर है वो चिपकेगा नहीं हमारे पतीले में। तो तब तक हमें ये टमाटर का क्रश कर देते हैं। तो एक दैनिक जार के अंदर हम टमाटर को ऐसे ही डाल देंगे। यहाँ आप चाहे तो इसकी स्किन निकल के भी क्रश कर सकते हैं, पर हमें इसको छानना है इसलिए हमने स्किन नहीं निकाली है। आपको नहीं छानना है तो इसे आप स्किन निकाल कर बनाना। तो यहाँ हम परफेक्टली सारे टमाटर को छान लेंगे बिल्कुल इस तरह से। इससे क्या होगा, जो आप इसका पापड़ बनाएंगे तो परफेक्टली ये बनेंगे और एकदम पतले पतले बनेंगे। उसके रेसे भी नहीं आएंगे, उसकी स्किन भी नहीं आएगी।
तो चलिए हम दूसरा टमाटर भी इसके अंदर डाल देते हैं और सारे टमाटर को बिल्कुल इस तरह से क्रश कर देंगे। हमारा क्रश हो तब तक आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टमाटर सारे हमारे क्रश हो चुके हैं और एकदम बढ़िया से हमारे केचप जैसा इसका कंसिस्टेंसी बन गया है। तो चलिए इस स्टेज पर हम आपको दिखाते हैं कि साबूदाना कैसे हो गए। एकदम परफेक्टली हमारे साबूदाना ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इसी स्टेज पर हमें जो क्रश किया हुआ टमाटर है वो डाल देना है। पूरी सावधानी से हमने जो टमाटर का प्यूरी बनाया है वो डालना है कि आपको छींटा नहीं लगे, क्योंकि ये साबूदाना बहुत गर्म है। तो इसको हम परफेक्टली मिक्स कर देंगे। एकदम बढ़िया से ऐसा कलर भी आ गया है। आप चाहे तो यहाँ फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ हमने कोई कलर नहीं डाला है। और यहाँ हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून से ज़्यादा थोड़ा काला नमक, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से हमारे खींचे में बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ हम फास्ट फ्लेम में ही लगातार इसको मिलाते रहेंगे। एकदम बढ़िया से हल्का सा ठीक हो जाए, बस इसी स्टेज पर हमें गैस को बंद कर देना है। पर हम इसको 2 मिनट के लिए और गर्म करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 मिनट के बाद एकदम बढ़िया से हमारा टमाटर की प्यूरी बनकर तैयार है, साबूदाना और टमाटर की। एकदम बढ़िया से ऐसे ठीक भी हो चुका है। तो चलिए इसको हम बंद कर देंगे और हल्का सा ठंडा होने के बाद इसको हम एक प्लास्टिक, बिल्कुल इस तरह से हमें प्लास्टिक की बैग ले लेनी है और यहाँ चमचे की मदद से हम सारे पापड़ बनाएंगे। तो बिना कोई झंझट से फटाफट से ये बच्चे भी बना लेंगे आसानी से, ऐसे पापड़ बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ हमें कोई झंझट के बिना फटाफट से बहुत सारे पापड़ बनकर तैयार होते हैं। 15 मिनट में ही 500 से ज़्यादा पापड़ हमारे बनकर तैयार होते हैं। तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छे बनते हैं और पूरे साल के लिए ये खराब नहीं होते हैं। जब चाहे तब इसको फ्राई करके आप खा सकते हैं। एकदम बढ़िया से ऐसे हेल्दी भी ये होते हैं साबूदाना और टमाटर के पापड़। इसे आप एक बार बनाओ और पूरे साल के लिए एंजॉय करें। इसको बच्चे से लेकर बड़े तक इसको बहुत पसंद करते हैं। तो इसे आप ज़रूर बनाना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इसको हम धूप में नहीं सुखाएंगे, यहाँ हमने रूम टेम्परेचर में ही सारे पापड़ को सुखाया है। 1 दिन के लिए इसको रूम टेम्परेचर में ही रखना है, बाद में आप 2 घंटे के लिए इसको धूप में रख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एकदम बढ़िया से हमारे सारे पापड़ सूखकर तैयार है। इसे एक बार आप बना लेंगे, बार बार हर साल आप इसको बनाएंगे। तो इसे हम फ्राई करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि एकदम बढ़िया से हमारे पतले पापड़ बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए इसे हम फ्राई करेंगे। तो एक पैन में मैंने पहले से ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर फास्ट फ्लेम में ही हमें सारे पापड़ को फ्राई करने हैं, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं साबूदाना और टमाटर के पापड़, वो फ्राई होने के बाद एकदम सॉफ्ट बन जाते हैं। इसीलिए हमें फास्ट फ्लेम में ही सारे पापड़ को फ्राई करना है। तो देख सकते हैं एकदम बढ़िया से हमारे पापड़ भी फ्राई हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी करारे और चटपटे बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छे बनते हैं और फटाफट से बन जाते हैं। तो चलिए इसको भी हम निकाल देते हैं। 1 से 2 मिनट में सारे ये फ्राई हो जाते हैं। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं सर्विंग प्लेट में। एकदम बढ़िया से क्रिस्पी करा रहे हमारे साबूदाना और टमाटर के पापड़ एकदम तैयार है। आपको आलू के पापड़ बनाने हैं, राइस के पापड़ बनाने हैं तो मेरी चैनल पर जाकर जरूर देखना। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ आपको आलू के पापड़ और राइस के पापड़ भी दिखाए हैं और पोहे के पापड़ भी दिखाए, वहां जाकर जरूर आप देखना।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।